मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम इन केवीएस आरओ दिल्ली लाइव। मैं एके सिंह, आज सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग आगे बढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। लेकिन उससे पहले मेरा कुछ क्वेश्चन है आपसे। पहला क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द रोल ऑफ डिजॉर्प्शन इन द प्रोसेस ऑफ कैटालिसिस। क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ डिजॉर्प्शन इन द प्रोसेस ऑफ कैटालिसिस। तो डिजॉर्प्शन का क्या रोल है, कल मैंने आपको एक मैकेनिज्म बताया था, उसमें देखे थे आप, फीचर था पहले क्या था, डिफ्यूजन, फिर था एडजॉर्प्शन, फिर इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, फिर कंपाउंड फॉर्मेशन, और फिर देखा था आपने डिजॉर्प्शन। तो इसका क्या रोल है ये इस प्रोसेस का, इस प्रोसेस का रोल देखिए, कैटलिस्ट के सरफेस को यदि फिर से अवेलेबल करना है तो डिजॉर्प्शन है, ठीक है, डिजॉर्प्शन है। इसको ऐसे समझो कि जैसे आप हमारे साथ 11 में जुड़े, पहले आप हमसे घुल मिल गए अच्छी तरह से, है ना, फिर मिडिल आते आते आप एडजॉर्ब हो गए, हमारे सरफेस पर एकदम आ गए अच्छी तरह से, हमारे टीचर हम लोगों के ऊपर। फिर क्या हुआ कि 11 में जब पास हो गए तो आपने एकदम इंटरमीडिएट बॉन्ड बना लिया हमसे। फिर जैसे जैसे प्री बोर्ड आया और आप प्री बोर्ड में निकलते चले गए, हमें लग रहा है कि अब हमारा कंपाउंड बन रहा है, लेकिन जैसे ही आपने बोर्ड का एग्जाम दे दिया, डिजॉर्प्शन हो गया, नहीं, आप हमसे हट गए। क्यों हट गए, अब हमें दूसरा बैच जो लेना है, नहीं, यदि आप ही रहोगे तो फिर मेरा रोल क्या होगा, कैटलिस्ट का रोल नहीं रहेगा, नहीं। तो टीचर का रोल यहाँ पर मैंने कैसे कर दिया, कैटलिस्ट, और आप लोग जब जाने लगे तो क्या हो गया, डिजॉर्प्शन, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे इसको, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे कि आप बताएंगे मुझे कि ये फॉग है, मिल्क है और स्मॉक है, मैंने कल बताया था आपको कि इसके अंदर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम, एक क्वेश्चन आएगा आपको कि आइडेंटिफाई द डिस्पर्स फेज एंड द डिस्पर्सन मीडियम। तो हाफ मार्क्स का डिस्पर्स फेज रहता है, हाफ का डिस्पर्सन मीडियम रहता है, ठीक है। तो आपने जवाब देना है फॉग, मिल्क और स्मॉक। मैं इसका जवाब नहीं दे रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने टेबल में लिखा हुआ है, आपको जवाब देना है इसका। एक तीसरा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्वेश्चन है बेटा कि हमने देखा कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों के बेसिस पर हमने क्लासिफाई किया कि बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। मैंने उसमें आपको थोड़ा सा ये भी बताया था कि देखो बेटा, वाटर यदि मीडियम होगा तो हम हाइड्रोसोल और एक्वासोल बोलते हैं, यदि बेंजीन मीडियम होगा तो बेंजोसोल बोलते हैं, यदि अल्कोहल मीडियम होगा तो एल्कोसोल बोलते हैं। तो आप बताओ कि कितने तरह का हमारे पास सोल होना चाहिए, तीन फेज है तो तीनों से तीनों का कॉम्बिनेशन होगा तो 9, लेकिन शायद मैंने कल आपको कितने बता दिया, 8, 9th नहीं बता पाया, क्यों नहीं बताया, 9th होता है या नहीं होता है बेटा। लास्ट में जो रह गया था कौन, गैस डिस्पर्स फेज और गैस डिस्पर्सन मीडियम, यदि ऐसा हो तो ये हेट्रोजीनियस नहीं होता है, होमोजीनियस मिक्सचर हो जाता है। सो देयर आर ओनली 8 टाइप ऑफ कोलाइडियल सिस्टम जो आपने सीखा है ना। तो यदि हमको कोई बोलता है कि गैस डिस्पर्स फेज और गैस डिस्पर्सन मीडियम होगा, सो इट इज ए होमोजीनियस, बट कोलाइड इज ए हेट्रोजीनियस। कोलाइड हमने स्टार्ट ही किया था कि कोलाइड इज ए हेट्रोजीनियस सिस्टम इन विच वन सब्सटेंस इज डिस्पर्स इन डिस्पर्सन मीडियम। तो आपने याद रखना है, नहीं 9 नहीं होता, 8 टाइप होता है।
आज हम लोग क्लास स्टार्ट करें। सेकंड मोड ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, इसमें फर्स्ट सिस्टम है हमारा लायोफिलिक, लायोफिलिक कोलाइड्स। लायोफिलिक कोलाइड्स लायो मीन्स लिक्विड, फिलिक मीन्स लविंग। ये दो टर्म लिया, लायोफिलिक, लायो मीन्स लिक्विड, फिलिक मीन्स लविंग। तो द कोलाइडियल सोल डायरेक्टली प्रिपेयर्ड और डायरेक्टली फॉर्म बाय सब्सटेंसेस लाइक गम, जिलेटिन, प्रोटीन, स्टार्च, रबर एटसेट्रा ऑन मिक्सिंग विथ ए सुटेबल सॉल्वेंट इज कॉल्ड लायोफोबिक सोल। दीज सोल्स कैन बी इजिली रिकॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर कॉगुलेशन। यदि हमारा कॉगुलेट हो गया है, वो इजिली कॉगुलेट नहीं होता, लेकिन यदि कॉगुलेट हो गया है तो हम बेटा उसको रीमिक्स करके और बना सकते हैं। इसीलिए इस सोल को क्या बोलेंगे, किस तरह का सोल होगा, रिवर्सिबल सोल। ये सोल जो हमारा होगा रिवर्सिबल सोल होगा और दिस सोल्स आर क्वाइट स्टेबल एंड इट कैन नॉट बी इजिली कॉगुलेटेड, जैसे स्टार्च सोल, रबर सोल, प्रोटीन सोल। ये सारे सोल्स जो हैं ये किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, लायोफिलिक सोल। दूसरा देखते हैं लायोफोबिक, लायोफोबिक कोलाइड्स। लायो मीन्स लिक्विड, फोबिक मीन्स हैटिंग, रिपेलिंग। तो मीन्स डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच बहुत अच्छा इंटरेक्शंस नहीं है। सो देयर कोलाइडियल सोल्स कैन नॉट बी प्रिपेयर डायरेक्टली बाय सिंपली मिक्सिंग ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। दिस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय स्पेशल टेक्निक्स। इनको आपको स्पेशल टेक्निक से बनाना पड़ेगा, इसको बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि हम लोग के प्रैक्टिकल सिलेबस में दोनों सोल हैं, लायोफिलिक भी लायोफोबिक भी। तो जब लायोफिलिक बनाएंगे, जैसे एग एल्बुमिन का सोल बनाएं या स्टार्च का सोल बनाएं, तो देखें इजली बना लेते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जब फेरिक ऑक्साइड का सोल बनाते हैं लैब के अंदर, तो कम से कम जो स्टीम क्लीनिंग प्रोसेस है उसमें ही 25 मिनट्स हम लोगों का खर्च हो जाता है। तो बनाओगे तो बहुत सावधानी से बनाना है, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा भी यदि इम्प्योरिटीज रहा दैट लीड्स टू कोगुलेशन और आपका सोल बन नहीं पाएगा। और ये सोल यदि एक बार कोगुलेट हो गया और आप लायोफिलिक की तरह चाहते हैं कि इसको रिकॉन्स्टिट्यूट कर दें और फिर से ये सोल बन जाए, नहीं बने। सो दिस सोल्स आर कैटेगराइज इन द फॉर्म ऑफ इरिवर्सिबल सोल। सो ये स्टेबल भी नहीं होता है और इरिवर्सिबल सोल। तो इसके आधार पर नेचर ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, दो तरह का सोल था हमारा, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। लायोफिलिक क्या था बेटा, लिक्विड लविंग, मीन्स देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम एंड दिस सोल्स कैन बी इजिली प्रिपेयर्ड, जैसे हमने सीखा स्टार्च सोल, प्रोटीन सोल, रबर सोल। और लायोफोबिक कोलाइड्स आर, लायो मीन्स लिक्विड, फोबिक मीन्स हैटिंग, सो देयर इज अ रिपल्सन बिटवीन द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, सो इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय स्पेशल टेक्निक्स। इसे स्पेशल टेक्निक से बनाना पड़ता है बेटा। और मेटल सोल्स एंड देयर ऑक्साइड सोल्स आर जनरली
लायोफोबिक कोलाइटिस। नेक्स्ट थर्ड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल्स of the dispersed phase. Dispersed phase. First, a multimolecular collide. Multimolecular collide. Means multi means many. So if the size of atoms or molecules are very small, then they can aggregate to come into the colloidal range. What is colloidal range? It is 1 nanometer to 1000 nanometer in a suitable dispersion medium form multimolecular collides. For example, the gold atom have different size, so they can aggregate to form colloidal gold, and similarly the sulfur molecules aggregated to form colloidal soil. So multimolecular collides are those collides in which the size of the atoms or molecules are very small. They can aggregate it, come into the colloidal range, and then form collides. So multimolecular collides examples are gold soil, sulfur soil, silver soil. So these are the examples of multimolecular collides. Now the macromolecular collide. Second one is macromolecular collides. Macro means large, so large molecule. Macromolecules polymers को भी बोलते हैं. So macromolecules, whether it is synthetic or natural, put into the solvents form solutions in which the size of macromolecules may be in the colloidal range. अब दोनों में डिफरेंस देख लो. मल्टीमोलिकुलर में क्या था कि साइज ऑफ एटम्स छोटा था, उनको एग्रीगेट होना पड़ा था. लेकिन मैक्रोमोलिक्यूल्स जो बड़ा मॉलिक्यूल है, लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि ये मैनी यूनिट्स पहले ही यूनाइट करके है. तो जैसे आप नेचुरल में देखेंगे स्टार्च पॉलीमर, प्रोटीन पॉलीमर, रबर पॉलीमर, दीज आर नेचुरल. सो दीज आर लार्ज मॉलिक्यूल्स. सो एंड पुट इनटू ए सुटेबल सॉल्वेंट, दे कम इनटू द कोलाइडियल रेंज एंड फॉर्म मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स. सिंथेटिक लाइक पॉलीथीन, नायलॉन्स, प्लास्टिक्स, दीज आर सिंथेटिक मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड दीज आर नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल्स. सो व्हेन दीज फॉर्म इट इज कॉल्ड सिंथेटिक मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड एंड दीज आर कॉल्ड नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड्स. एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग दोनों में डिफरेंस क्या था बेटा. मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स कब बोला हमने कि मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स का मतलब था कि ऑन डिजोल्यूशन ए लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, स्मॉलर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स दे एग्रीगेट एंड कम इनटू द कोलाइडियल रेंज इन ए सॉल्वेंट, देन इट फॉर्म्स मल्टीमॉलिक्यूलर कोलाइड्स. तो आपने देखा एग्जांपल गोल्ड सोल, सल्फर सोल, सिल्वर सोल. बट इन मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड्स मॉलिक्यूल्स
साइज में भी इन द कोलाइडियल रेंज, पहले से ही ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल्स हैं और दो तरह के हो सकते हैं बेटा, नेचुरल हो सकता है और सिंथेटिक हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं और तीसरा टाइप देखते हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ये भी किसके बेसिस पर है, टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एसोसिएटेड कोलाइड्स, और इसको क्या बोलते हैं हम, माइसेल्स भी बोलते हैं। एसोसिएटेड कोलाइड्स क्या है बेटा, देयर आर सम सब्सटेंसेस एट लो कॉन्सेंट्रेशन बिहेव एज ए नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एकदम नॉर्मल जो हमारा ट्रू सोल्यूशन है उसके जैसा बिहेव करता है, बट एट हायर कॉन्सेंट्रेशन एग्जिबिट कोलाइडियल बिहेवियर। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं क्या बोला, देयर आर सब सब्सटेंसेस एट लो कॉन्सेंट्रेशन बिहेव्स एज नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बट एट हायर कॉन्सेंट्रेशन एग्जिबिट कोलाइडियल बिहेवियर। सो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट्स एंड दीज एग्रीगेटेड पार्टिकल दस फॉर्म्स आर कॉल्ड माइसेल्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड कोलाइड्स और माइसेल्स, दीज आर ऑल्सो नोन एज एसोसिएटेड कोलाइड्स, इन्हीं को हम एसोसिएटेड कोलाइड भी बोलते हैं, इन्हीं को माइसेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ माइसेल डज नॉट, द फॉर्मेशन ऑफ माइसेल्स डज नॉट टेक्स प्लेस आइदर इट अचीव अबव पर्टिकुलर टेम्परेचर, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रॉप टेम्परेचर एंड अबव पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन। सो एसोसिएटेड कोलाइड्स ऑल्सो कॉल्ड माइसेल्स, इट फॉर्मेशन एट अबव क्रॉप टेम्परेचर is represented by TK and above a particular concentration, because at low concentration they behaves as electrolyte, so this is called critical micelle concentration. So for soap solution their range is 10 to the power minus 4 to 10 to the power minus 3 mole per liter for soap solution. So mechanism of micelle formation, mechanism of micelle formation. Let us take the example of soap solution. What is soap? Soap is a sodium salt of, or sodium or potassium salts of higher fatty acids. So dear students, do you know about what is the range of the carbon that is called fatty acids? It is carbon 12 to carbon 18. और हायर फैटी एसिड्स में 15, 16, 17 हम जाते हैं, इसी को हायर फैटी एसिड्स बोलते हैं। सो सोप इज ए सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स, सो व्हेन सोप इज डिजॉल्व इन वाटर, लाइक सोडियम स्टीयरेट लिया आपने, सोडियम स्टीयरेट ज्यादातर सोप में ये सॉल्ट होता है। सो देयर आर टू पार्ट्स इन दिस सोप, इस पार्ट को हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट, और इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक टेल, हाइड्रोफोबिक टेल, और ये है हमारा हाइड्रोफिलिक हेड। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोफोबिक टेल और हाइड्रोफिलिक हेड, तो जब आप इसको करते हैं तो ये वाटर रिपेलिंग एंड है और ये वाटर अट्रैक्टिंग एंड है, तो क्या होता है कि जब हमारा कंसंट्रेशन जैसे ही 100 मॉलिक्यूल्स और इससे ज़्यादा हो जाता है, जो हमने कंसंट्रेशन रेंज लिखा था अभी 10 टू द पावर माइनस 4 टू 10 टू द पावर माइनस 3, सो दे आर पुल्ड इन द बल्क, और बल्क में आने के कारण वो स्फेरिकल शेप का आयनिक मिसाइल्स बन जाता है, और वो मिसाइल्स जब तक नहीं बनेगा तब तक क्लिंजिंग एक्शन नहीं होगा। जैसे आप देखते हैं कि
जो हमारा वॉशिंग मशीन होता है उसके अंदर टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए होता है। तो यदि आप टेम्परेचर कम करेंगे, क्राफ्ट टेम्परेचर से कम करेंगे, तो मेसिल फॉर्मेशन नहीं होगा। और सीएमसी से कम, जैसे हम कंजूसी कर जाएंगे, डिटर्जेंट कम डालेंगे और तब भी कपड़े साफ हो जाए, नहीं साफ होगा। क्यों? क्योंकि मैसिल्स नहीं बनेगा। तो मैसिल्स बनना बहुत ज़रूरी है। तो मैसिल्स बनने के लिए क्या होता है कि जैसे आपके पास ये वाइली पैच है तो इसके ऊपर बेटा ये पुल्ड हो जाता है अंदर की तरफ। तो यहाँ पर एटलीस्ट 100 मॉलिक्यूल्स का कलेक्शंस होता है और ये आयनिक मिसेल्स का फॉर्मेशन होता है, आयनिक मिसेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से ये क्या करता है, ये जो हमारा हाइड्रोफोबिक पार्ट है और यहाँ जो वाइल और ग्रीज हैं, ये लाइक डिजॉल्व्स, लाइक यहाँ पर डिजॉल्व कर देता है। और जो हमारा वॉशिंग मशीन के अंदर स्पिनिंग और एंटी स्पिनिंग मोशन होता है, उसके कारण वो वहाँ से डीअटैच्ड हो जाता है। और डीअटैच होने के बाद हमारा मिसेल्स का फॉर्मेशन होता है, क्लिंजिंग एक्शन हो जाता है। तो हम आज जो स्टार्ट किए थे तो क्या क्या पढ़ लिए थे कि नेचर ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, इसके आधार पर दो तरह के आपका कोलाइड था, लायोफिलिक और लायोफोबिक, और एक आपने किया है टाइप ऑफ डिस्पर्स फेज पर। तो इसके अंदर हमने पढ़ा मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड, मैक्रो मॉलिकुलर कोलाइड और एसोसिएटेड कोलाइड्स। अब हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स। सो कंडेंसेशन मेथड है और डिस्पर्सन मेथड है, जिस दो मेथड से मेनली हम लोग बनाते हैं, कंडेंसेशन मेथड और डिस्पर्सन मेथड। तो कंडेंसेशन मेथड में क्या होता है कि इन दीज मेथड्स पार्टिकल्स ऑफ एटॉमिक और मॉलिक्यूलर साइज आर कंबाइंड टू फॉर्म एंड टू गिव कोलाइडियल रेंज पार्टिकल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आप देखेंगे हम लोग जो इस मेथड के अंदर है वो करेंगे केमिकल मेथड। केमिकल मेथड के अंदर बैठे जो हमारा प्रोसेस है वो डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस। केमिकल मेथड से कैसे कैसे बनाएंगे, डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस। तो ये डबल डिकम्पोजिशन है, आपने नाम सुना है ना डबल डिस्प्लेसमेंट का, और ये मैंने लिखा है यहां पर आर्सेनियस सल्फाइड से डबल डिकम्पोजिशन। दोनों में क्या अंतर है थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, देखिएगा इसको कि डबल डिकम्पोजिशन और डबल डिस्प्लेसमेंट में कोई अंतर है क्या। इसमें ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीडाइज हो रहा है और सल्फर सोल बन रहा है, सल्फर सोल। रिडक्शन जिसमें गोल्ड का मिथेनॉल से कर रहे हैं, तो ये बेटा गोल्ड सोल, इसका रिडक्शन हो गया। देखो यहां प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में था और ये जीरो में गोल्ड आ गया, तो इसका प्रोसेस का नाम रिडक्शन है। और खुद यह मिथेनॉल और फोर्थ जो है वो हाइड्रोलिसिस है। तो हमारा केमिकल मेथड में डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस मेथड से बनाते हैं। फिजिकल मेथड के अंदर एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, व्हेन ए ट्रू सॉल्यूशन इज मिक्स्ड
with an excess of other solvent in which solute is insoluble but solvent is miscible. क्या है कि आपने एक ट्रू सॉल्यूशन बनाया, ट्रू सॉल्यूशन बना करके आपने एक ऐसे सॉल्वेंट में फिर मिक्स किया कि सॉल्यूट इज इनसॉल्युबल बट सॉल्वेंट इज मिसिबल. ऐसा एक एग्जांपल है कि व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ सल्फर इन अल्कोहल, ये ट्रू सॉल्यूशन है. इस सॉल्यूशन को आपने पाव कर दिया कहां, एक दूसरे सॉल्वेंट वाटर में. जो सल्फर इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट अल्कोहल इज सॉल्युबल इन वाटर, तो यहां पर कौन सा सोल बन गया, सल्फर सोल बन गया. तो इस तरह से क्या किया, एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट हो गया. तो एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट के थ्रू आप इस फिजिकल मेथड से सोल बना सकते हैं. एक बार फिर समझते हैं इसको, क्या कह रहा है कि यहां पर एक ट्रू सॉल्यूशन था बिकॉज सल्फर इज इजली सॉल्युबल इन अल्कोहल बट सल्फर इज इनसॉल्युबल इन वाटर. सो व्हेन दिस ट्रू सॉल्यूशन इज पावर्ड इन एक्सेस ऑफ वाटर सॉल्वेंट देन सल्फर सोल इज फॉर्म. तो इसको बोलते हैं हम लोग फिजिकल मेथड. एक आप एक्सेसिव कूलिंग से भी बना सकते हैं और नेक्स्ट मेथड है हमारा मेथड और इसको ब्रेडिक्स आर्क मेथड भी बोलते हैं. ब्रेडिक्स आर्क मेथड भी बोलते हैं. This process involves dispersion as well as condensation. Colloidal soils of metals such as gold, silver and platinum etc. can be prepared by this method. So in this method, the electric arc is struck between the electrodes of the metal immersed in a dispersion medium. So the intense heat produced vaporizes the metal which then condenses to form particles of colloidal size. इसमें क्या होता है, इसको जरा सा इससे देखते हैं हम लोग. ये एक बनाते हैं बेटा, ये देखिए इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड डाला हुआ है जो सेम मेटल का है. और ये डिस्पर्शन मीडियम इसके अंदर है, ये इसमें डिस्पर्शन मीडियम है और ये आइस बात है. जैसे देखा बेटा कि बाय मिस्टेक कभी क्या होता है कि घर में जो दो बिजली का तार है इसे स्ट्रक हो जाता है, तो क्या देखते हैं कि बहुत तेज इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोड्यूस होता है. इसको क्या करते हैं, इंटेंशनली इस इलेक्ट्रोड को स्ट्रक कराते हैं, तो इमेंस हीट प्रोड्यूस्ड होता है जो मेटल को क्या कर देता है, वेपराइज कर देता है. और वेपर्स इमिडिएटली क्या हो जाते हैं कि कंडेंस हो जाते हैं क्योंकि काफ़ी लो टेम्परेचर रखा हुआ है. तो ये हमारा उसी मेटल का, जो यदि दोनों प्लेटिनम है तो प्लेटिनम सोल होगा, गोल्ड का है तो गोल्ड सोल है, सिल्वर है तो सिल्वर सोल. तो इसी मेथड को हम ब्रेडिक्स आर्क मेथड बोलते हैं, जिसमें क्या है कि डिसइंटीग्रेशन हो रहा है और फॉलोड बाय कंडेंसेशन हो रहा है. तो यहाँ पर डिस्पर्शन एज वेल एज कंडेंसेशन. अब इसमें एक चीज और देखो, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि सोल्स आर आइदर पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज. तो मेटल सोल्स आर जनरली निगेटिवली चार्ज. तो मेटल सोल्स जो निगेटिवली चार्ज होता है क्यों, कह रहा है कि जैसे आपने इसको स्ट्रक किया
तो स्ट्रक किया तो जो हीट प्रोड्यूस्ड हुआ उसके कारण हो सकता है कि इनको जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है उस मेटल का उतना आयनाइजेशन इंथैल्पी मिल गया. सो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस एंड दैट इलेक्ट्रॉन्स इमीडिएटली एडजॉर्ब ऑन द कोलाइडियल सरफेस. तो जो मेटल का सोल है वो ज़्यादातर निगेटिवली सोल होता है, इसी के कारण होता है. ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग. मेथड है पेप्टाइजेशन. पेप्टाइजेशन में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए प्रिसिपिटेट इनटू कोलाइडियल सोल बाय सेकिंग इट विथ डिस्पर्सन मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. द इलेक्ट्रोलाइट यूज फॉर दिस पर्पस इज कॉल्ड पेप्टाइजिंग एजेंट. उसको बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट. बच्चे यहाँ पर एक हमेशा एक होता है कन्फ्यूजन. क्या कन्फ्यूजन होता है कि पेप्टाइजेशन प्रिसिपिटेट से वर्ड से मिल रहा है लेकिन ये जस्ट उल्टा है. देख रहे हो कि कह रहा है कि एक प्रिसिपिटेट को हम कोलाइड में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को पेप्टाइजेशन कहते हैं. सो पेप्टाइजेशन मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए प्रिसिपिटेट इनटू कोलाइडियल सोल बाय सेकिंग इट विथ डिस्पर्सन मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन. इस प्रोसेस में जो इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं उसको बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट. अब आप देखो कि इसमें जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रिसिपिटेट होता है ज़्यादातर इसी को हम यूज करते हैं. तो इसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग पेप्टाइजेशन द प्रिसिपिटेट एडजॉर्ब्स वन ऑफ द आयंस. जैसे आपको इलेक्ट्रोलाइट लोगे उसमें कैटायंस भी होगा और एनायंस होगा. सो वन ऑफ द आयंस ऑन द इलेक्ट्रोलाइट सरफेस, उस इलेक्ट्रोलाइट सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाता है. दिस काउजेस द डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज. या तो पॉजिटिव चार्ज आएगा या निगेटिव चार्ज आएगा ऑन प्रिसिपिटेट्स. स्विच अल्टीमेटली ब्रेक्स अप इन टू स्मॉलर पार्टिकल्स ऑफ द साइज ऑफ कोलाइड्स. सो जो भी हमारा पार्टिकल साइज आ रहा है वो कोलाइडियल रेंज में आ रहा है तो हम इसको बोलते हैं. फॉर एग्जांपल यदि हम देखें कि हमारा आयरन का हाइड्रोक्साइड का एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रिसिपिटेट हो रहा है. प्रिसिपिटेट जैसे एक बड़ा कंटेनर है और इसमें ये प्रिसिपिटेट अभी हम बड़ा लिख रहे हैं लेकिन इतना बड़ा होता नहीं है, मतलब अभी आपको विजिबल नहीं हो रहा बेटा, नहीं दिख रहा. लेकिन ये धीरे धीरे ग्रो करके क्या होगा कि ये नीचे बैठ जाएगा. ये हमारा फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रिसिपिटेट है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रिसिपिटेट है. ठीक है बेटा, तो जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रिसिपिटेट है इसके अंदर आपने क्या किया कि एक इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया FeCl3 फेरिक क्लोराइड. अब एक हम पार्टिकल आपका ये उठाते हैं, ये से देखिए ये पार्टिकल लिया. इस पार्टिकल के ऊपर क्या होता है कि ये इसमें जो आयंस हैं Fe3+ है और 3Cl- है. सो वन ऑफ द कॉमन आयन गेट्स एडजॉर्ब. ज़्यादातर क्या होता है बेटा कि कॉमन आयन ही एडजॉर्ब होता है. तो आप देखो कि फेरिक हाइड्रोक्साइड और फेरिक क्लोराइड में कॉमन आयन कौन है, तो आयरन 3+. तो इसके ऊपर आकर के कौन जमा हो गया, Fe3+. ये देखिए, अब ये जो दूसरा पार्टिकल जो मिलकर के बड़ा होने जा रहा था इसके ऊपर भी तो यही जमा हो गया Fe3+. आप बताओ कि लाइक चार्ज क्या एक साथ होंगे, एग्रीगेट होंगे या दूर भागने का कोशिश करेंगे, ये रिपेल हो जाएंगे. और जब बेटा इसमें रिपल्सन होगा ये पास नहीं आएंगे तो आपका कोलाइडियल साइज में आ जाएगा. जो भी ग्रो होकर के प्रिसिपिटेट होने वाला था नीचे आने वाला था अब वो नहीं आएगा और कोलाइडियल रेंज में हो जाएगा. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पेप्टाइजेशन. सो एक बार फिर समझ लेते हैं हम लोग कि पेप्टाइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रिसिपिटेट इज कन्वर्टेड इन टू कोलाइडियल सोल बाय सेकिंग इट विद डिस्पर्सन मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. तो इलेक्ट्रोलाइट हमारा क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, ये पेप्टाइजिंग एजेंट है. और यहाँ पर कॉमन आयन एडजॉर्ब हो गया तो इसलिए ये सोल कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिवली चार्ज. यदि आप यहाँ पर NaOH ले लेते बेटा तो जानते हो इसमें कॉमन आयन क्या हो जाता,
OH-, तो आपका सोल यही सोल निगेटिवली चार्ज भी हो जाता। मीन्स सेम सोल मे बी निगेटिव और मे बी पॉजिटिव डिपेंडिंग अपॉन द पेप्टाइजिंग एजेंट। आपने लिया क्या है, पेप्टाइजिंग एजेंट कैसा है। यदि पेप्टाइजिंग एजेंट ये था जिसमें कॉमन आयन आयरन 3+ था, तो यही सोल हमारा प्रिसिपिटेट कैसा चार्ज हुआ, पॉजिटिवली। और जब आपने NaOH ले लिया तो कॉमन आयन कौन सा हो गया, OH- आयन, तो ये कैसा हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज। तो इस तरह से हमने आज क्या क्या किया है, हमने किया है बेटा कि क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स हमने देखा कि नेचर ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, तो लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। लायो मीन्स था लिक्विड, फिलिक मीन्स लविंग, और लायो लिक्विड और फोबिक मीन्स हैटिंग। तो एक डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच बहुत अच्छा इंट्रैक्शन था तो हमने बोला लायोफिलिक, और नहीं था इंट्रैक्शन, इजिली नहीं बना सकते थे तो हमने बोला लायोफोबिक। दूसरा हमने टाइप ऑफ पार्टिकल्स जो डिस्पर्स फेज का था उसके बेसिस पर किया, तो हमारा मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड, मैक्रो मॉलिकुलर कोलाइड और एसोसिएटेड कोलाइड। मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड क्या था कि जिसमें आपने देखा कि एटम और मॉलिक्यूल्स काफ़ी स्मॉल हैं, वो एग्रीगेट होकर के और डिस्पर्सन मीडियम के साथ कोलाइडियल रेंज में आते हैं और फिर बनता है, जैसे गोल्ड सोल, सल्फर सोल, प्लेटिनम सोल, ये सब हमारा था। और जो मैक्रो मॉलिकुलर कोलाइड है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स मीन्स लार्ज मॉलिक्यूल, वेदर इट इज सिंथेटिक और नेचुरल, जैसे प्रोटीन है, स्टार्च है, रबर है, नेचुरल रबर, ये सब नेचुरल है। तो इनको यदि सुटेबल सॉल्वेंट में डाला तो हमारा मैक्रो मॉलिकुलर कोलाइड्स बना। एसोसिएटेड कोलाइड्स में आपने सीखा कि सेम सॉल्यूशन एट लो कंसंट्रेशन बिहेव्स एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, नॉर्मल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है, बट एट ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, एट अबव कंसंट्रेशन, दे बिहेव्स एज कोलाइड्स एंड दे एग्रीगेटिंग एंड फॉर्म मिसल्स, सो दीज आर ऑल्सो नोन एज एसोसिएटेड कोलाइड्स और मिसल्स। तो आपने देखा कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद फॉर्म होता है तो उसको हम क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं, और उस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन को बोलते हैं क्रिटिकल माइसल कॉन्सेंट्रेशन। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज और इसका प्यूरिफिकेशन। फर्स्ट चलेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स एंड देन प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। ओके, थैंक यू।